एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुंजन और आप देख रहे हैं गुंजन ब्यूटी एंड स्टाइल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं एक और ब्राइडल मेकअप लुक, और ये निकाह ब्राइडल मेकअप लुक है। आई होप आप लोगों को ये ब्राइडल लुक पसंद आए। अगर आपको ये ब्राइडल लुक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैंने कैसे अचीव किया ये मेकअप लुक देख लेते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी अपने फेस पर, और ये प्लम का मॉइस्चराइज़र है। आप कोई सा भी मेकअप कर रहे हो, चाहे वो पार्टी मेकअप हो चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, आप स्किन केयर ज़रूर करें। उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइफ का सिल्वर लीव आर्गन फेशियल ऑयल, और ये बहुत ही अच्छा फेशियल ऑयल है और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। और मैं इसको अपने पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई करूँगी। उसके बाद फिर मैं अगेन गुड वाइफ का कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा अंडर आई सीरम है और मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी अंडर आई में। उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। ये लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर प्राइमर है। पोर्स जो है वो अच्छे से फिल हो जाए और स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम अपनी दोनों आईब्रो को फिल करेंगे ब्राउ पोमेड की हेल्प से। ये लॉरियल का ब्राउ पोमेड है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये ब्राउ पोमेड और मेरा फेवरेट भी है। मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी इस ब्राउ पोमेड की हेल्प से। फिर एक स्पूली की हेल्प से मैं अपनी ब्राउ को सेट कर लूँगी ताकि मेरी ब्राउ जो है नेचुरल दिखे। उसके बाद फिर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी अपनी ब्राउ को क्लीन करने के लिए, और ये NYB का SDS स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर है और इसमें मेरा शेड है 11 कैरमल। बहुत अच्छा कंसीलर है, ये थिक कंसीलर है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगेन ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, सो आप इस कंसीलर को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। उसके बाद मैं अपनी आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूँगी, और ये NYX का कंसीलर है, NYX का HD कंसीलर है। ये थोड़ा लाइट कंसीलर है, ये मेरे आई बेस का काम अच्छा करेगा, मेरे जो आई शेडोज हैं वो अच्छे से उभर के आएंगे। ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद फिर मैं बनाना पाउडर से सेट कर दूँगी कंसीलर को ताकि कोई क्रीज लाइन ना दिखे और हमारा आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आईज़ के कॉर्नर पर स्ट्रेट एजेस पाने के लिए मैं एक स्टिकी टेप यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ग्लास आई शेडो पैलेट से मैं लाइट ऑरेंज कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अगेन वही कलर लूँगी, फिर से मैं ब्लेंड करूँगी, और ये हमारा ट्रांजिशन शेड है। फिर वही आई शेडो पैलेट से मैं ब्लैक कलर लूँगी एक फ्लैट शेडर की ब्रश से। आउटर कॉर्नर को डीपन करने के लिए मैं ये कलर अप्लाई करूँगी। अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हम आउटर कॉर्नर पर ब्लैक कलर को। उसके बाद फिर एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लैक कलर को। ब्लेंड करते रहना है, आई शेडो में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं ये पीच कलर लूँगी और उसको मैं इनर कॉर्नर से लेके इनर थर्ड तक अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। फिर वही आई शेडो पैलेट से हम शिमरी कलर लेंगे, ये पीच कलर का शिमरी कलर है, और हम इसको भी इनर कॉर्नर से लेके इनर थर्ड तक अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले वाला अप्लाई किया था। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और नेचुरल लगे। उसके बाद फिर SFR का प्रेस ग्लिटर अप्लाई करूँगी, उसमें से मैं गोल्डन शिमर शेड लूँगी और उसको अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। उसके बाद फिर ब्रश की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी। फिर वही आई शेडो पैलेट से मैं शिमरी शेड लूँगी पीच कलर का और आई के मिडिल में अप्लाई करूँगी, उसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद फिर से दोबारा मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद फिर मैं ब्राउ बोन पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, और ये बटन वाइल्ड का हाइलाइटर है। उसके बाद मैं टेप को रिमूव कर दूँगी। हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप डन है। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ये मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन है और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसकी जो कवरेज है बहुत ही अच्छी है, और एक ब्रश की हेल्प से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन को। और इसमें मेरा शेड है 06 सैंड बेज। फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करेंगे, नेक पे भी अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को ताकि जो हमारा फेस और नेक सेम लगे।
उसके बाद फिर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये निक्स का एसडी कंसीलर है अपने अंडर आई पर। कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी कंसीलर और फाउंडेशन को, ताकि कंसीलर और फाउंडेशन ब्लेंडेबल दिखे। उसके बाद फिर मैं बनाना पाउडर अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था कंसीलर को सेट करने के लिए। और ये मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर है। उसके बाद हम क्रीम कंटूरिंग करेंगे और ये NYB की क्रीम कंटूरिंग स्टिक है। क्रीम कंटूरिंग को एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फोरहेड पे भी अप्लाई करेंगे क्रीम कंटूरिंग को और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जो लाइन पे भी अप्लाई करेंगे उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नोज़ को थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए मैं नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बनाना पाउडर को हम डस्ट आउट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने बनाना पाउडर अप्लाई किया था। उसके बाद हम ब्राउज़र अप्लाई करेंगे, ये शिवाना का ब्राउज़र पायलट है। जहाँ जहाँ हमने क्रीम कंटूरिंग की थी वहाँ वहाँ ब्राउज़र अप्लाई करेंगे। ब्राउज़र अप्लाई करने के बाद हम ब्लश अप्लाई करेंगे और ये SFR का ब्लश है, इसमें से हम पीच कलर लेंगे। वापस आ जाते हैं आई मेकअप पर, उसी आई शेडो पैलेट से हम पीच कलर लेंगे और अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे उसको। फिर वही ब्लैक कलर लेंगे, उसको भी हम वाटर लाइन पे अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे मस्कारा और ये मेबेलिन का मस्कारा है। उसके बाद हम काजल अप्लाई करेंगे और ये NYB का काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है ये। उसके बाद आईलाइनर अप्लाई करेंगे, ये वेट एंड वाइल्ड का आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है ये वेट एंड वाइल्ड का। विंग लाइनर बनाएंगे हम और हम थोड़ा सा इनर कॉर्नर से भी लेंगे आईलाइनर को, जैसे कैट आईलाइनर बनाते हैं ना सेम वैसे ही, और इस लाइनर को हम बोलते हैं कैट आईलाइनर। आज हम वो अप्लाई करेंगे ताकि हमारी आंखें अच्छी बड़ी बड़ी दिखाई दें। उसके बाद अप्लाई करेंगे फॉल्स लैशेस और ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाई थी, बहुत ही अच्छी लैशेस हैं। लैशेस अप्लाई करने के बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे और ये स्टिक हाइलाइटर है, मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया है। अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर अप्लाई करेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला है, मैंने इसको सिर्फ 120 रुपीज़ में लिया है। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हम मेकअप को सेट करेंगे एक मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से, और ये वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे है, मेकअप सेटिंग स्प्रे है, और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से
सेट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम आखिर में अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, और ये शुगर की लिपस्टिक है, और इसमें मेरा शेड है 05 रस्ट लस्ट, बहुत ही प्यारा रस्टी कलर है जो मेरी आउटफिट से बिल्कुल मैच कर रहा था। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये और वाटरप्रूफ भी है। सो ये है फाइनल एंड फिनिश लुक। मैंने ब्राइडल ज्वेलरी पहन ली थी और अपने हेयर स्टाइल भी सेट कर लिया था। कैसा लगा आपको मेरा ये निका ब्राइडल मेकअप लुक? आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।